ने भी डिजिटल कैफे खोला है या साइबर कैफे खोला है, उनको आधार सेवा केंद्र की सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर उनके पास आधार सेवा केंद्र नहीं होगा तो उनके दुकान पे ज्यादा ग्राहक भी नहीं आएंगे और वो ज्यादा काम भी नहीं करेंगे और अच्छा पैसा भी नहीं कमाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर आधार सेवा केंद्र उनके पास है तो डेली का 1-2-3 हजार 4 हजार रुपए तो वो आराम से कमा सकते हैं। लोग तो यहाँ पे 10-10 हजार रुपए कमा रहे हैं अगर आधार सेवा केंद्र उनके पास रहता है तो। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि बिल्कुल फ्री में अगर आप एक आधार सेवा केंद्र खोलना चाहते हैं डायरेक्ट गवर्नमेंट आईडी से, तो आप कैसे आधार सेवा केंद्र खोलेंगे और गवर्नमेंट आईडी वाली आधार सेवा केंद्र कैसे आप अपनी दुकान पे खोल सकते हैं, पूरी जानकारी हम देने वाले हैं। तो वीडियो का एक भी स्टेप आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों ये ध्यान पूर्वक देखिएगा तभी आपको पता चलेगा कि आपके पास क्या डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, तभी आपको ये आधार सेवा केंद्र मिलेगा और आप कैसे इसको बिल्कुल फ्री में ले सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरी ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले देखिए दोस्तों कि आधार सेवा केंद्र होता क्या है और आधार सेवा केंद्र में आप कितना देर काम कर सकते हैं और क्या क्या काम आप कर सकते हैं। तो आज जो हम आपको बताने वाले हैं वो बताने वाले हैं कि सिर्फ आप आधार कार्ड में अपडेट का ही काम कर सकते हैं, दूसरा काम नहीं कर सकते। जैसे कि नया आधार कार्ड आप नहीं बना सकते हैं और ना ही आप फिंगरप्रिंट अपडेट कर सकते हैं। आप यहां पे आधार कार्ड में अपडेट कर सकते हैं और कस्टमर का आधार कार्ड प्रिंट और डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि अपडेट में जितने भी काम होते हैं जैसे कि नाम, एड्रेस, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, मतलब इतने सारे जो अपडेट का काम होते हैं वो सभी अपडेट का काम आप यहां पे कर सकते हैं। अब दोस्तों यहां पे अगर आप आधार सेवा केंद्र लेते हैं तो आपको खोलना कितना देर होगा, सबसे पहले ये भी आपको जानना जरूरी है। ठीक है, या आधार सेवा केंद्र जो होगा ये आप 7 दिन खोल सकते हैं, 9:30 बजे सुबह से लेकर 5:30 बजे शाम तक, मतलब 5:30 तक आप आधार सेवा केंद्र अपने दुकान पे खोल सकते हैं। ठीक है, और आधार सेवा केंद्र अब आपको मिलने का स्टेप सबसे पहले ये देखिए, तो आधार सेवा केंद्र मिलता कैसे है, तो यहाँ पे सबसे पहले वर्क इन बुक अपॉइंटमेंट, सबसे पहले आपको अपॉइंटमेंट बुक करना होता है। उसके बाद यहाँ पे कॉन्टेक्ट हेल्प डेस्क अपॉइंटमेंट स्लिप आपको मिलता है और उसके बाद ये सब तामझाम आपको मिलता है। तो ये बहुत सारे ऑप्शन है जैसे कि पेमेंट टू कैश काउंटर, यहाँ पे आपको पेमेंट भी करना पड़ता है। तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे बिल्कुल फ्री में आधार सेवा केंद्र लेने का पूरा प्रोसेस और ये ध्यान पूर्वक देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, सबसे पहले आपके पास एक सर्टिफिकेट होनी चाहिए, जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है आधार सर्टिफिकेट। तो क्या करेंगे, आप यहाँ पे गूगल पे सर्च करेंगे आधार एग्जाम और जैसे ही आधार एग्जाम सर्च करेंगे तो फर्स्ट वाला ही ऑप्शन आएगा वेलकम टू लॉगिन पेज, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक सिंपल सर्टिफिकेट है, यहाँ पे क्लिक करके सबसे पहले देखिएगा कि सर्टिफिकेट आपको कैसा मिलता है आधार की तरफ से। सबसे पहले देखिए तो यहाँ पे आपका फोटो लगा होता है, उसके बाद सर्टिफाइड होता है, उसके बाद आपका नाम होता है, जैसे कि दिस इज टू सर्टिफाइड एट दैट योर नेम, मतलब आपका नाम होगा। उसके बाद यहाँ पे हैव सक्सेसफुली पास द लेवल, यहाँ पे आपका लेवल होता है, जैसे कि आपको सुपरवाइजर की सर्टिफिकेट मिली है या ऑपरेटर की सर्टिफिकेट मिली है। जैसे कि नंबर वाइज होती है, अगर आपको 55 नंबर आया है तो आपको ऑपरेटर की सर्टिफिकेट मिलेगी, अगर 55 नंबर से 60 या 70 आया होगा तो आपको सुपरवाइजर की सर्टिफिकेट मिलेगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दोनों सर्टिफिकेट आपका कन्फर्म हो चुका है, ये आपको कैसे मिलेगा, हिंदी में लिए है या इंग्लिश में लिए है, वो सब कुछ आपको सर्टिफिकेट ऐसा ही मिलता है। अब दोस्तों यहाँ पे अप्लाई कैसे करेंगे, तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको न्यू यूजर का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे और या आप अप्लाई कर सकते हैं, देख सकते हैं वेलकम टू आधार ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग सर्टिफिकेट। ठीक है, तो अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस में बहुत सारी वीडियो में बना चुका हूं तो बता दिया हूं। ठीक है, यहां पे आपको आधार सेंटर लेने का प्रोसेस बताऊंगा कैसे आप ले सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये आधार की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहां पे आप देख लीजिए आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, आधार की ऑफिशियल वेबसाइट है ये। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों जब आप देखेंगे कि मेरा आधार मेरी पहचान, यहाँ पे आधार का लोगो भी है और यहाँ पे वेलकम टू आधार डैशबोर्ड का यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, कितने लोगों का अभी तक आधार कार्ड बन चुका है ये सब कुछ आपको ऑप्शन मिल जाएगा। अभी एक्टिव कितनी एजेंसी, जैसे कि एजेंसी जो है वो 954 है और यहाँ पे रजिस्टर्ड एजेंसी जो है वो 289 है, तो हमें रजिस्टर्ड एजेंसी से ही आपको लेना है, क्योंकि देखिए बहुत सारे एजेंसी है जिससे आप ले सकते हैं लेकिन रजिस्टर्ड एजेंसी से लेंगे तो आप आराम से खोलिए। गवर्नमेंट एक तरह
से गवर्नमेंट का मतलब वेरिफिकेशन ही हो जाएगा आपके दुकान पे, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए कि यहाँ भी आपको एक ऑप्शन दिया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए CSE गवर्नमेंट सर्विस इंडिया लिमिटेड, मतलब कि अगर आपके पास CSE की आईडी है तो आप आधार सेवा केंद्र बिल्कुल फ्री में ले सकते हैं। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा कोई भी चार्ज देने की जरूरत नहीं है। अगर आप आधार सेवा केंद्र लेना चाहते हैं तो बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी, ठीक है। और भी बहुत सारी एजेंसी है जहां से आप देख सकते हैं, जैसे करवी डाटा मैनेजमेंट है, स्वाति स्मार्ट टेक लिमिटेड है, तारा सॉफ्टवेयर लिमिटेड है, इग्ली सॉफ्टवेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, इटजी है, डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है। उसके बाद इंडिया कंप्यूटर टेक्नो है, बहुत सारे है, ठीक है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और बाय रजिस्टर्ड में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं CSE गवर्नमेंट सर्विस रजिस्टर्ड जनरल इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, ITC गवर्नमेंट एंड राजस्थान, और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, गवर्नमेंट ऑफ केरला, मतलब कि यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। वैसे ही हमें यहाँ पे CSE गवर्नमेंट सर्विस से आधार सेवा केंद्र लेनी है, तो मैंने पहले ही आपको बताया है कि सिर्फ आप यहाँ पे क्या काम कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप अपडेट का काम कर सकते हैं, ठीक है, दूसरा कोई काम नहीं कर सकते, और आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं बिना OTP के माध्यम से, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, जैसे कि हमारे पास CSE आईडी है और यहाँ पे मैं UCL सर्च करता हूं तो देख सकते हैं कि यहाँ पे डेमोग्राफी अपडेट का काम आपको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, आराम से मिल रहा है, ज्यादा कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको क्लाइंट आईडी डालना है और यहाँ पे आपको कस्टमर का मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद आई हैव एग्री पे क्लिक करना है और ₹50 की पेमेंट कटा के आप आधार कार्ड में अपडेट का काम कर सकते हैं अपने ग्राहक का, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला होता है कि आपको क्लाइंट आईडी कैसे मिलेगी, ठीक है। सबसे पहले तो क्लाइंट आईडी आपको लेना होगा, तो क्लाइंट आईडी के लिए दोस्तों कुछ भी नहीं करना है। क्लाइंट आईडी के लिए आपके पास आधार की सर्टिफिकेट होनी चाहिए, जो मैंने आपको सर्टिफिकेट दिखाया है। अगर आपके पास आधार की सर्टिफिकेट है तो आपके पास एक और सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, वो होता है IIBF की सर्टिफिकेट। जब आपके पास IIBF की सर्टिफिकेट होगी तभी आप यहाँ पे आधार सेवा केंद्र खोल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे आधार सेवा केंद्र खोलना चाहता हूँ, ठीक है, जैसे कि हमारे पास CSE आईडी है तो हम यहाँ पे आधार सेवा केंद्र खोलना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, तो हमें यहाँ पे लिखना है आधार AADHAR, यहाँ पे आधार, और यहाँ पे बैंकिंग लिख देना है, ठीक है, बैंकिंग आधार BANK, आधार बैंकिंग नहीं, हमें CSE बैंकिंग लिखना है, CSE बैंकिंग, ठीक है। जब यहाँ पे हमें CSE बैंकिंग लिखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं CSEBankMitra.in, ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे CSE बैंक मित्रा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे, आपको एक भी पैसे देने की जरूरत नहीं है, देखिए आप एकदम लाइव प्रूफ देखिएगा जिससे कि आपको खुद पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्लिक हेयर, यहाँ पे देख सकते हैं फॉर द बैंकिंग BC रजिस्ट्रेशन प्लीज, ठीक है, मतलब कि अगर आपके पास BC आईडी होगा, ठीक है, BC सर्टिफिकेट होगा तभी आप आधार सेवा केंद्र ले सकते हैं, अगर आपके पास बैंक की आईडी होगी तभी आप आधार सेवा केंद्र खोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लिक हेयर पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि CSE बैंकिंग सर्विस, और यहाँ पे एक अप्लाई का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पे एक चेक स्टेटस का ऑप्शन मिलेगा, मतलब कि आप अप्लाई करेंगे उसके बाद चेक भी आप खुद ही कर सकते हैं, मतलब कि एक सप्ताह के अंदर आपको ये मतलब आईडी मिल जाती है, बैंकिंग आईडी, ठीक है। एक वेरिफिकेशन होता है आपको यहाँ पे कैसे करना है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे हमें अप्लाई करके जब आईडी मिल जाती है, ठीक है, तो उसके बाद एक आई कार्ड हमें मिलता है, तो आई कार्ड यहीं से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि बैंक में कहीं जाते होंगे तो देखते होंगे वो गले में एक आई कार्ड पहनते हैं, ठीक है, तो वो आई कार्ड आपको यहीं से मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों एक ऑप्शन और भी मिलता है, अप्लाई मोर सर्विस का, ठीक है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जब आप दोस्तों अप्लाई मोड सर्विस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, अप्लाई मोड सर्विस पे क्लिक करेंगे तो आप यहां पे देख सकते हैं कि बैंकिंग आईडी आप क्यों लेना चाहते हैं, बैंकिंग आईडी आपको क्यों जरूरत है। तो हमें यहाँ पे बैंकिंग आईडी की जरूरत है आधार सेवा केंद्र लेने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्लिक किया आधार केंद्र, ठीक है, और इसके बाद और भी बहुत सारे ऑप्शन है जो आपको लेना होगा, आप चाहे तो सब कुछ में मतलब अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आधार सेंटर ही चाहिए, आधार कार्ड अपडेट सेंटर ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्लिक करना है और यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा दे रहा है सक्सेस, मेरा नाम यहाँ पे है, और यहाँ पे दे रहा है थैंक यू फॉर सेलेक्टिंग द सर्विस, आवर टीम विल बी कनेक्टेड कंटेक्ट यू सून, योर रेफरेंस आईडी यही है, ठीक है। मतलब कि हमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो बैंकिंग की टीम है वो हमसे मतलब कंटेक्ट करेगी और हमें आधार सेवा केंद्र प्रोवाइड करवाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों लाइव प्रूफ ये सब कुछ मैंने यहाँ पे बताया है कि जो टीम है वो आपसे मिलेगी और आपकी वेरिफिकेशन होगी आपके शॉप की, तभी आपको आधार सेवा केंद्र मिलता है। तो अगर आपको आधार सेवा केंद्र लेना है बिल्कुल फ्री में, और आपको परमानेंट आधार सेवा केंद्र चलानी है अपडेट, क्योंकि
अभी सबसे ज्यादा जो काम होता है वो अपडेट का ही काम होता है, दूसरा कोई काम होता नहीं है। तो अगर आप अपडेट का काम करना चाहते हैं तो ये आपको आधार सेवा केंद्र लेना ही चाहिए, और ये आधार सेवा केंद्र आपको बहुत आसानी से आपको मिल जाएगी। कैसी लगी वीडियो कॉमेंट में जरूर बताइएगा।